तो अब देखिए, तो करना क्या होगा, कुल मिला के आपने, मैंने बताया, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक इसमें से मैच करे, इसमें से मिल रहा हो, उसका पूर्ण वर्ग होगा। जिसका मैच नहीं करेगा उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब जैसे कहीं पे कोई भी स्क्वायर निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना, तो सबसे पहले, उससे पहले हम सिंबल बता दें क्या क्या होता है। अब जैसे कहीं पे ऐसा लिखा है या फिर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन अब इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं करड़ी। क्या कहते हैं? करड़ी कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में अगर बात करें तो शर्ट्स, क्या कहेंगे? शर्ट्स। तो अब देखिए, जैसे अब यहां पर देखा जाए, शर्ट्स की वैल्यू कुछ नहीं लिखी है, लेकिन यहां पे देखिए शर्ट्स की वैल्यू 2 लिखी है, यानी करड़ी की 2। तो जब शर्ट्स की वैल्यू या करड़ी का मान 2 हो तो स्क्वायर रूट निकलेगा। तो चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, स्क्वायर रूट निकलेगा। अब देखिए कैसे क्या करते हैं। जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? अब जैसे मान लीजिए एक छोटा छोटा स्क्वायर रूट आपको निकालना सिखा रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं। जैसे 289, पहले छोटा निकालते हैं फिर बड़ा अपने आप निकाला जाएगा। अब जैसे आखिरी में देखिए, सबसे पहला काम आपको ये देखना होगा यूनिट डिजिट कैसा। देखिए यूनिट डिजिट, देखिए किसका स्क्वायर हो सकता है 9, तो टू चेक यूनिट डिजिट, सबसे पहला काम, स्टेप फर्स्ट है, आप यूनिट डिजिट चेक करिए। 1 से 9 में किसके स्क्वायर में आखिरी, यानी इकाई का अंक चेक कर रहे हैं ना, तो यूनिट डिजिट चेक कर रहे हैं। तो 1 से 9 के स्क्वायर में किसके डिजिट में 9 आ रहा है, किसके स्क्वायर में? तो ये देखिए, 1 3 में और 1 किस में आ रहा है, 7 में। तो ये संख्या आप लिख लीजिए, जिसमें आ रहा हो वही लिखेंगे आप, तो 3 और 7, यानी आप देखिए आपका आंसर का आधा पार्ट आ चुका है। आखिरी डिजिट से पता चल रहा है कि वो हमारा आंसर या तो 3 वाला होगा या 7 वाला होगा। अब आपको करना क्या होगा, 2 डिजिट लीव, 2 डिजिट लीव करिए। कहां से लीव करना है? 2 स्थान छोड़ दीजिए, 2 अंक छोड़ दीजिए। कहां से? इधर से, फ्रॉम यूनिट डिजिट। यानी आप देखिए करना क्या होगा, पहला काम आप क्या करिए, इकाई का अंक देख लीजिए, 1 से 9 में किसके में आ रहा है वो डाटा लिख दीजिए, यहां पर वो अंक लिख दीजिए। 2 अंक छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए। बची संख्या किसका स्क्वायर हो सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा, तो बताओ बची संख्या कौन है? 2 है, तो 2 किसका स्क्वायर? 2, देखिए 2 का ही ज्यादा ही हो जा रहा है, तो 1 का लेंगे। तो यानी 1 यहां भी लिख दिया, 1 यहां भी लिख, इसको मैं कलर पेन से लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अब देखिए, तो मैंने इसमें से लिख दिया, अब आपको पता है कि ये डाटा आ गया, ठीक, यानी आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आपको चेक करना हो, क्या करना हो, टू चेक, अगर आपको चेक करना हो कौन सा आंसर हमारा राइट होगा, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिपीट नंबर इनटू नेक्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट। अब ध्यान रखिएगा इसको, दूसरा इसमें काम क्या करोगे, आंसर और प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का मतलब होता है अपोजिट। अब ध्यान रखिएगा इस बात को। तो सबसे पहला काम आपका, काम क्या होगा कि आप पहले आंसर निकालने के लिए यूनिट डिजिट चेक करिए, किस में आएगा वो अंक लिख दीजिए जिसमें आ रहा हो, 2 स्थान लीव कर दीजिए, बची संख्या किसका स्क्वायर हो सकता है वो लिख दीजिए। अब आपका आंसर आ चुका है, अब आपको करना क्या, चेक करना है कौन सा होगा। तो रिपीट संख्या क्या दिख रही है, ये देखिए रिपीट है, तो आप क्या करना क्या होगा, इसमें से देखिए चेक करने, 1 इंटू 2, क्योंकि रिपीट नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर, तो करते क्या है, 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2। अब ये हो गया प्रोडक्ट, तो आप इसकी क्या करा दीजिएगा, इसकी कंपेयर करा दीजिए, या मैं इसको यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं। तो प्रोडक्ट कितना आ गया, इक्वल टू 2। तो देखिए प्रोडक्ट अगर क्या आ गया, 2, तो अब इससे कंपेयर करा देते, मैं यहां लिख दे रहा हूं तुलना, कंपेयर। तो आपने क्या कहा, किससे कराना है, इतने पार्ट से, जो स्थान छोड़ने के बाद बच जाती है संख्या। तो अब अगर तुलना कराइए, कंपेयर कराइए, तो कितना आ रहा है, 1 2 जा 2। अब देखिए यहां इक्वल आ गया, अगर इक्वल आ गया तो भाई आपको पता है ज्यादा वाला हर कोई लेता है, लेकिन अगर क्या आता है, छोटा आता है तो आंसर बड़ा वाला होता है, अगर प्रोडक्ट बड़ा आता है तो आंसर छोटा वाला होता है, क्योंकि देखिए अपोजिट रिलेशन होता है, उल्टा। अगर प्रोडक्ट क्या आ जाए, उल्टा, अगर प्रोडक्ट क्या आता है, बड़ा, तो आंसर छोटा वाला, अगर प्रोडक्ट छोटा तो आंसर बड़ा वाला।
तो कुल मिला के आपने कहा, अब चूंकि मैंने मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, दो, तो इसलिए आंसर कौन वाला हो गया, बड़ा वाला हो गया। अब देखिए आपको समझा देते हैं, अभी शायद कन्फ्यूजन हो थोड़ा सा, लेकिन अभी क्लियर कर हो जाएगा जब आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। पहला काम, कोई भी संख्या मिलती है इकाई का अंक चक्रीय किसका हो सकता है। अब देखिए 1 to 9 में इकाई का अंक, देखिए 9 किस में आ रहा है, 7 में आ रहा है, 9 3 में आ रहा है, वो डाटा आप लिख दीजिए। दो स्थान लीप करिए, बची संख्या किसका स्क्वायर हो सकता है, 2। तो आप देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का ज्यादा हो गया, ज्यादा ले नहीं सकते, 1 का ले लेंगे। तो देखिए आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है इतना कि वही संख्या यहां भी लिखी जाएगी, वही यहां भी। अब आपको करना है चेक, तो ये काम आपको चेक करते समय करना पड़ता है, कैसे, रिपीट नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर। देखिए रिपीट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है दोनों में रिपीट, तो 1 into 2 कर दीजिए, 2 आ गया। अब ये रिपीट नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर, आपको अगर बड़ा संख्या आ जाती है तो भी मैं एक ट्रिक बता दूंगा। जैसे कहीं पे अगर मान लीजिए एक बड़ी संख्या आ गई, इन केस अगर आपको मान लीजिए 12 into 13 मिल गया रिपीट नंबर, कंटिन्यू नंबर का मल्टीप्लाई सीख लीजिए, तो इस केस में करना क्या, स्मॉल वाले नंबर का स्क्वायर करके स्मॉल ऐड कर देना, यानी 144 और प्लस 12, ये देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, स्क्वायर अगर याद होगा तो मल्टीप्लीकेशन में भी काम आएगा, जैसे 17 into 18 करना है तो 17 का स्क्वायर 289, उसमें 17 ऐड कर दीजिए 306। 14 into 15 करना है तो 14 का स्क्वायर 196, उसमें 14 ऐड कर दीजिए तो 14 का स्क्वायर 196, 196 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, और 10 और ऐड कर दीजिए 210, तो आपको पता चल गया 14 into 15। तो आपको जब भी कंटिन्यू नंबर का मल्टीप्लाई कराना हो तो जैसे 12 into 13, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए और वही 12 को ऐड कर दीजिए, 2 कंटिन्यू नंबर का मल्टीप्लाई हो गया। जब मैं मल्टीप्लीकेशन चैप्टर सिखाऊंगा उसमें मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। तो हालांकि आप यहां पे देख सकते हैं 144 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 156, ये आ गया कंटिन्यू नंबर, अगर मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं ये चीज प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। चलिए प्रैक्टिस में देखते हैं क्या होता है। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे अगर पहले एक स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसी बहाने स्क्वायर की प्रैक्टिस हो जाएगी, और यही चीज निकाल के भी देखेंगे क्या ये आ रहा है आंसर। तो जैसे मान लीजिए 56 का स्क्वायर करिए, तो आपको मैंने तरीका बता रखा था, 50 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा होगा, ट्रिक मैंने सिखाई थी, 50 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर करो कितना हो गया, 36 हो गया। 50 से बड़ा है तो 25 में 6 ऐड करो तो 31 हो गया, 31 36। चलिए अब इसी का स्क्वायर कर लिया, अब स्क्वायर रूट निकाल, देखिए आंसर सबको पता है पहले यही आना चाहिए। चलिए निकाल के भी दिखाते हैं, 31 36 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है इनकेस। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहला काम, यूनिट डिजिट कितनी है, 6। ये देखिए 1 to 9 में किस में 6 आ रहा है, जल्दी बताइए, 6 में आ रहा है, और किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है, आपने लिख दिया। अब क्या करते थे, दो स्थान लीव कर देते थे, लीव कर दिया दो स्थान, अब कितनी संख्या बची, 31। तो बताइए 31 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का ज्यादा हो गया, तो यानी 5 लिख देंगे, आंसर आ चुका है। चेक करना है तो चेक कर लीजिए, रिपीट नंबर कितना है, ये है 5, 5 into 6 करिए कितना आ गया, 30। इससे क्या कराइए, तुलना, तो तुलना जब कराएंगे आप, कंपेयर, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है छोटा, ये क्या हो रहा है, छोटा, छोटा मतलब स्मॉल, किससे कंपेयर कराना है, ये जो बची संख्या होती है तो स्मॉल, तो अगर ये स्मॉल है तो आंसर कौन वाला होगा, बड़ा वाला। ये देखिए आंसर आ चुका है, एक और करके देख लेते हैं। चलिए इसी हाथ लगे हाथ स्क्वायर भी कर लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट भी निकाल, मान लीजिए इसे 129 है। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे मैंने तो 120 तक सिखाया था, ये आप 129 तक कैसे निकाल रहे हैं, तो मैंने कहा था अगर आपका इनपुट बढ़ जाए तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप 130 तक याद, अगर आप 30 तक याद कर लेते हैं स्क्वायर तो आप 130 तक निकाल सकते हैं, अगर आप 40 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं तो 140 तक स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ऐसे 129 का निकालना है, तो 29 का स्क्वायर बताइए कितना ज्यादा है 100 से, 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। तो आपको पता है दो डिजिट लिखते हैं, 8 कैरी हो गया, 29 का डबल 58, 100 में 58 ऐड करेंगे 158, 158 में 8 ऐड करिए
तो आपको पता है 166। तो क्लियर हो गया। तो ये आपको स्क्वायर, जिन्होंने नहीं सीखा है वो अपना पिछला लेक्चर देख सकते हैं, मैंने स्क्वायर सिखाया होगा। ठीक है, पहला काम फिर से एक बार चक्कर लेते हैं। 29 का 841 हो गया, 41 लिख दिया, 8 कैरी हो गया, 29 का डबल 58। अब आपको सबको पता है 100 में 58 करके 8 ऐड करेंगे 158 में 8 ऐड कर देंगे 166। सबको पता है इसका आंसर ये आना चाहिए। चलिए अब चेक करके देखते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसी का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 1641। स्क्वायर रूट सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम क्या करना होता है कि आपको यूनिट डिजिट चेक करना होता है। वन किस में आ रहा है तो साफ साफ दिख रहा होगा, वन वन में आ रहा होगा, नाइन में आ रहा है तो आप लिख दीजिए 19, यानी आधा आंसर आ चुका है, आधा बचा हुआ है 166। ये किसका स्क्वायर हो सकता है? तो देखिए, आपको मैंने कहा था 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तो चलिए 13 का 169 होता है, 13 का 169, तो 13 का 169 अर्थात 169 तो इससे बड़ा है, बड़ा नहीं चलेगा, कम चलता है। तो 12 का 144, 12 का 144 होता है, 12 लिखिए आप, तो आपने क्या लिख दिया 12। आंसर आ चुका है, चेक करना है, मैंने बता रखा था रिपीट नंबर इनटू नेक्स्ट नंबर कैसे करते हो, 12 का स्क्वायर प्लस 12 तो कितना जाएगा 144 प्लस 12 156। अब याद रहेगा तो ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ 12 × 13 करना है तो 12 का स्क्वायर प्लस 12 यानी 12 का स्क्वायर 144 में 12 ऐड कर दीजिए, तो आप अगर ऐड कर लेते हो 156 आ गया। अब नहीं याद है स्क्वायर तो भाई बड़ी प्रॉब्लम है, ना तो स्क्वायर निकलेगी, ना ही स्क्वायर रूट निकलेगा और ना ही मल्टीप्लाई अच्छे से होगा। तो अब इससे क्या कराइए, तुलना कंपेयर कराते हैं, इतने वाले पार्ट से कंपेयर कराते हैं। तो अब देखिए 156 इससे क्या है, छोटा, तो आंसर कौन सा आना चाहिए, बड़ा। तो ये देखिए आंसर कितना आ गया 129। क्या आपने स्क्वायर नहीं किया था 129 का, स्क्वायर इधर रिवाइज हो गया, इधर स्क्वायर रूट निकल आ गया। ओके, आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जैसे ही बता पाए। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे।